नमस्ते स्टूडेंट, मैं भी यूसुफ आजा विजुअल फेड कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट फिर आज एक नई टॉपिक लेके आए हैं जो अकाउंट्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इन चीज़ों का ध्यान आपको अकाउंटेंसी करते समय ज़्यादा देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट, यानी टैली में जो अकाउंटेंसी में हम लोग जो बैड डेब्ट्स मेंटेन करते हैं। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है कि जब किसी कंपनी को आप माल बेचते हैं, माल बेचने पर जो पैसा आपके पास रिकवरी नहीं हो पाता है, उन अकाउंट्स को हम कहाँ दिखाते हैं? बैड डेब्ट्स में। यानी कुछ ऐसे भी संभावना होता है कि जो पैसा हमें आज नहीं मिलता है, 2 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा या 2 साल बाद मिलेगा, उनको हम बैड डेब्ट्स प्रोविजन में भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, बैड डेब्ट्स क्या होता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंट, यानी बैड डेब्ट्स अकाउंट्स क्या होता है। तो आइए स्क्रीन पे डिफिनेशन आपके सामने। बैड डेब्ट्स इज एन एक्सपेंसेस दैट ए बिजनेस इंक्योर वन द पेमेंट ऑफ क्रेडिट प्रीवियसली एक्सटेंडेड टू ए कस्टमर इज एस्टिमेटेड टू बी अनकाउंटेबल। बैड डेब्ट्स इज ए कॉन्टिंजेंसी that must be accounted for by all businesses who extended credit to customer, as there is always a risk that payment will not be received. Twice to end, iska definition hindi mein jane. To definition hindi mein hai, grahakon se jo rasi vasooli nahi ho paati hai उसे हम बैड डेब्ट्स या निष्कृत ऋण कहा जाता है। समायोजन लेखा इसे डेब्टर्स में से घटा दिया जाता है और पीएल अकाउंट्स में डेबिट साइड में लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, जब किसी कस्टमर या कंपनी को आप माल बेच देते हैं जिनसे पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है या कंपनी भाग जाती है या दिवालिया घोषित हो जाती है, तो ऐसे केस में जो डूबा हुआ रकम हमारा होता है उसे अकाउंट साइड में बैड डेब्ट्स खाते में रखा जाता है। ऐसे अकाउंट्स को हम बैड डेब्ट्स या डूबत ऋण कहते हैं। तो आई स्टूडेंट इसकी जनरल एंट्री देखें, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे आप? आपके सामने है सम एग्जांपल एक्सरसाइजेस एंड गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट ऑफ ₹5,000, यानी राम को आपने उधार माल बेचा ₹5,000 का। तो इसकी जनरल एंट्री आपके सामने है, राम डियर टू सेल, यानी राम को आपने 5,000 का माल बेचा, इसकी जनरल एंट्री बना दिया। नरेशन लिख दिया बिंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। तो आइए इसका अगला एक्सरसाइज क्या है। अगला एक्सरसाइज है राम वाज बैंकक्रप्ट बट ओनली रिसीव 25% कैश एंड रिमेनिंग मनी लॉस्ट। यानी राम के दिवालिया होने पर ₹1 में 25 पैसे प्राप्त हुए और रिमेनिंग माल क्या हुआ, रिमेनिंग पैसा डूब गया। तो सबसे पहले ₹5,000 का जो माल आपने बेचा था, उस ₹5,000 का जितना आपको प्राप्त हुआ कैश, उसका 25% आपने निकाल दिया, जो ₹1,200 प्राप्त हुआ आपको, जो कैश रिसीप्ट प्राप्त हो रहा है। यानी 5,000 में ₹1,250 आपको प्राप्त हुआ, तो आपका नुकसान कितना हुआ, 3,750, जिसे हम डालेंगे बैड डेब्ट्स खाते में। इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट ₹1,250, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट ₹3,750 टू राम ₹5,000। इसके नेशन लिख देंगे बींग राम वाज बैंकक्रप्ट ओनली रिकवरी 35% कैश एंड रिमेनिंग मनी लॉस्ट। तो ये था स्टूडेंट बैड डेब्ट की मैनुअल जनरल एंट्री करने का तरीका। तो आई स्टूडेंट इस एंट्री को टैली पे कैसे पास किया जाता है, तो देखते हैं टैली पे कैसे एंट्री करना है। तो आपने स्टूडेंट देखा कि बैड डेब्ट्स का डेफिनेशन आपने देखा और प्लस उसकी हिंदी डेफिनेशन भी देखा कि बैड डेब्ट्स होता क्या है। सीधा सीधा समझा कि जो पैसा आपको प्राप्त नहीं होता, जो किसी कस्टमर को माल बेचते हैं और पैसा रिकवरी नहीं हो पाता, कभी कभी होता है कि आपने 10,000 का माल बेचा है, 10,000 में वो आपका 9,990 रुपये पेमेंट किया, बाकी पैसा नहीं दिया, तो उसको भी बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं। या कुछ ऐसा होता है जो कंपनी दिवालिया हो जाता है या कंपनी माल आप पैसा देते हैं वो भाग जाता है, देने में असमर्थ रहता है, ऐसे खाते को भी बैड डेब्ट्स में
डालते हैं। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बैड डेब्ट्स क्या होता है, और अगली एंट्री हम देखेंगे, यानी अगली जो वीडियो समझ रहेगा कि इस बैड डेब्ट्स की एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर वीडियो अकाउंटेंसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।